मैं हमेशा कहता रहा हूँ कुछ सिनेमा एज एन एक्टर मेरे लिए रिहर्सल होता है और कुछ सिनेमा परफॉर्मेंस दिखाने के होते हैं, तो ये फिल्म रिहर्सल है, एक रिहर्सल है एक्टर्स की और रिहर्सल है डायरेक्टर की, पहली फिल्म है उनकी, तो सबकी रिहर्सल है ये फिल्म। अब देखिए कैसा निकलता है, क्या निकलता है। भाई जब आपको समाज में या शरीर में कोई बीमारी होती है, दवा की जरूरत पड़ती है, तो समाज के लिए गांधी जी शुरू से ही दवा रहे हैं। मतलब एक पक्ष होता है बुरा, एक पक्ष होता है अच्छा, तो मैं बुरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो बाद में ठीक हो जाता है। देखिए नया प्रोजेक्ट मैं अकेला नहीं बनाता, क्योंकि सिनेमा एक 5 लोगों की चीज़ होती है, 10 लोगों की चीज़ होती है, दिमाग होता है, कुछ कुछ दिमाग नहीं काम कर पाते हैं, जिसमें किसी की गलती नहीं है, कुछ दिमाग नहीं काम कर पाते हैं उसमें किसी की गलती नहीं होती है, बन जाती है फिल्म, बन जाती है। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग है, जो उस समय मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है उस प्रोजेक्ट में, मैं उसके हिसाब से पकड़ता हूँ, लेकिन बाद में मालूम चलता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ निकल के आई, ऐसी फिल्में आई हैं मेरी। और कुछ आप सोचते हो कि बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अरे नहीं हो पाती ये चीज़। कभी मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा कोई एक आदमी का काम नहीं है कि वो अकेले बना दे, सब मिलजुल करके कैसी यूनिट बनती है आपकी, कैसा आपका माहौल होता है, उस पर डिपेंड करता है। सर काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में आप हैं, आज के दौर में जो कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो महत्व है, जैसे आप हैं, इरफान सर हैं, नवाज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इतने सालों में काफ़ी वक्त लगा, आज के दौर में कैरेक्टर आर्टिस्ट एक फिल्म को चला सकते हैं। देखिए ये हमारी अपनी गलती थी कि हम सोचते थे एक ही आर्टिस्ट पूरी फिल्म को चला सकता है या एक ही कैरेक्टर पूरी फिल्म को, ये हमारी गलती थी, ये कहीं से सोसाइटी की गलती नहीं थी। अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं सिर्फ एक ही मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ की कहानी या प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं होगी, अब बहुत सारी चीज़ों की कहानी हो सकती है। तो अब बहुत सारी चीज़ों की कहानियों में बहुत सारे कैरेक्टर्स काम आ रहे हैं, और जो कैरेक्टर्स काम आ रहे हैं दिख रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है कि हाँ यार कैरेक्टर्स से भी फिल्म बनती है, सिर्फ हीरो हीरोइन से ही नहीं फिल्म बनती है। तो ऐसे में बहुत चेंजेज है यार, अच्छा है ये कि हमारी ऑडियंस 70 के बाद की उम्र के भी कैरेक्टर को देखना चाहती है, बचपन बच्चे के कैरेक्टर को भी देखना चाहती है, हर कैरेक्टर को देखना चाहती है। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, को स्टार को तो एंजॉय करवा देता हूँ मैं खुद भी, और वो भी एंजॉय करने लगता है। हाँ काफ़ी लोगों के साथ मुझे मज़ा आता है काम करने में। यार मैं बड़ा वैसा बोलता हूँ कि मैं बड़ा ज़िंदा रहता हूँ, अभी जो मैं हूँ इस वक्त बस यहीं पर हूँ, इसके बाद का न सोचा है न सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा, हाँ एक टाइम टेबल तो रहता है उसके हिसाब से। तो जब मैं एक्टिंग करने जाता हूँ तो माहौल देख करके चौवा चक्कर मारता हूँ कि कैसा पिच है, क्या पिच है भाई, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं लोगों को, कि मैं क्या कर रहा हूँ या उनको ज़रूरत है कि नहीं। तो बहुत ही नॉर्मल है, वो मेरे पार्ट ऑफ जॉब है, मैं वैसा ही हूँ और वैसा ही काम कर लेता हूँ। देखो ऐसा कोई को स्टार को नहीं क्रिटिसाइज़ करता, एक फिल्म के लिए अगर मुझे लगता है कि हाँ यार ये सीन थोड़ा और मज़ेदार ऐसा हो सकता था, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, कोई सजेस्ट नहीं करा, सपोर्ट करो, या मुझे बताओ कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो चलो ठीक है ऐसा लगता है। तो छोटे
मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ, काम मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, मैं मेरी लाइफ क्या है, मैं मंगल ग्रह का स्टार बन जाऊँ लेकिन अपने ही ग्रह पर नाक उंगली करे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे वो सब नहीं मिला। लाइफ सेट होनी चाहिए, लाइफ सेट, मेरी लाइफ सेट है, मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ, तो मैं काम को उसके बाद कर रही हूँ। मैं अपने आप को ही एक्सप्लोर कर लूँगा, मैं अपने आप को समझ गया तो समझ जाऊँगा, मरते मखत की इंसानियत को समझ जाऊँगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जो आएंगी देखी जाएंगी, बच के कहाँ जाएंगे हम एक्टर्स, बच के नहीं जा सकते, जो किया है वो दिखाना।